नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मुद्रालेख डिजिटल एजुकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 12 कॉमर्स विषय एसपी एटले के सेक्रेटरियल प्रेक्टिस एटले के वाणिज्य पत्र व्यवहार। मित्रों, आपणे प्रकरण नंबर 5 कंपनीना संचालकों एटले के डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, तो आनी अंदर आपणे एक नवो सवाल जोईए कि भाई कंपनीना संचालकोनो कानूनी दरज्जो अथवा तो कंपनी में जो संचालक होनो कानूनी दरज्जो केव हो, क्या क्या प्रकार हो जनाव अथवा तो समझाओ। तो संचालक कंपनी स्वरूप में खूबज महत्व स्थान धरावे। जुदा जुदा समय कंपनी संदर्भ में जुदी जुदी न्यायालय एट्ले के जुदी जुदी कोर्टो द्वारा आपेला चुकादाओने आधारे संचालकोनो कंपनी साथेनो संबंध एटले के एनो कानूनी दरज्जो अलग अलग प्रकारनो होय छे, जेमां आपणे जोईए। तो पहेलुं आवे छे, संचालक शेरधारकोना प्रतिनिधि तरीके अथवा तो शेर होल्डरना लीडर तरीके। संचालको शेरधारकोना प्रतिनिधि छे, कारण के आ संचालकोने शेरधारको द्वारा चूंटी काढवामां आव्या होय अने आ संचालको आ चूंटायेला संचालको ए शेरधारको प्रति वती ई कंपनीना प्रतिनिधि तरीके काम करे छे। तेमनी सेवा बदल संचालकोने मेहनताणु आपवामां आवे छे, पण एक मर्यादा छे। ई कंपनी में प्रतिनिधि तरीके शेरधारकों प्रतिनिधि तरीके सेवा आपे छे, परंतु तेओ कंपनी पगारदार कर्मचारी नथी। ई संचालक एक प्रतिनिधि तरीके काम करे, एटला माटे ने मेहनताणु आपवामां आवे छे। कारण के कंपनी संचालन शेरधारकों द्वारा चूंटायेला प्रतिनिधिओ द्वारा थाय छे, कोई कर्मचारी द्वारा थतुं नथी। संचालको कंपनी आवेदन पत्र में जणावेली सत्तानी मर्यादा में रहीने काम करवानो होय छे, एने आवेदन पत्र में जे मर्यादा आपी छे ई सिवायनो एने कार्य करवानो न होय, एने सत्ता बाहेरनुं एटले के अंग्रेजी में अल्ट्रा वायर्स तरीके ओळखवामां आवे। तो सत्ता बाहेरना कार्यो माटे संचालक व्यक्तिगत रीते जवाबदार गुनेगार ठरे छे, एटले के ई जे कंई खामी आवे, जे कंई नुकसान थाय एना माटेनो जवाबदार संचालक होय। क्यारे? ज्यारे सत्ता बाहेरनुं कार्य करे। सत्ता बाहेरनुं कार्य एटले हुं कि भाई कंपनीना आवेदन पत्रमां जणावेली सत्ता के कंपनीना आवेदन पत्रमां दर्शावेली सत्तानी मर्यादा रहीने मर्यादामां रहीने मर्यादानी बहार जे कार्य करवामां आवे ने सत्ता बाहेरनुं कार्य कहे छे। संचालक एक वहीवटी भागीदार तरीके एनो दरज्जो। तो शेरधारको कंपनीना मालिको छे, इक्विटी शेरधारको कंपनीना हाचा मालिक गणाय, तेवो पोतानामांथी एक प्रतिनिधिने चूंटे छे अने आ प्रतिनिधि आ बधा वती कंपनीना संचालक तरीके कार्य करे छे। आमां संचालकोनो दरज्जो ई वहीवटी एटले के एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनरशिप स्वरूपनो होय अने मालिकीनी हैसियतथी शेर वेचणी, शेर उपर हप्ता मंगावा आवा प्रकारना सामूहिक निर्णयों ले छे, छता तेने भागीदार न कही सके। कारण के एक भागीदार छे, ई एक भागीदारनुं कार्य बीजा भागीदारने जवाबदार बनावे छे, एटले भागीदारो ई संयुक्त रीते होय छे। कोई एक भागीदारे निर्णय लीधो होय अने एमां नफो नुकसान कोई पण परिणाम आव्यो होय तो बीजा भागीदारो एना माटे जवाबदार होय छे। જ્યારે સંચાલક પોતાના કાર્યો દ્વારા અન્ય સંચાલકોને જવાબદાર બનાવી શકે નહીં, આ એક એની મર્યાદા છે। બીજું, ભાગીદારો વચ્ચેનો સંબંધ એ કાયમી સ્વરૂપનો સંબંધ છે, જ્યારે સંચાલકો વચ્ચેનો સંબંધ એ કાયમી નથી, કારણ કે વારાફરતી નિવૃત્ત થવું પડે અને સંચાલકો સંચાલકો વચ્ચે સંબંધની અદલાબદલી કે ફેરબદલ થયા કરે છે। હવે આવે છે સંચાલક એક ટ્રસ્ટી તરીકે। તો કંપનીના શેરધારકો દ્વારા સંચાલકોને છૂટી કાઢવામાં આવે છે ત્યારે કંપનીની મિલકતો અને કંપનીના ભંડોળનો વહીવટ આ
संचालक ने सौंपवामां आवे छे। एटले एक ट्रस्ट, ट्रस्टी एटले एक विश्वासु व्यक्ति, एक विश्वास पात्र एनुं स्थान होय छे कोई पण धंधाकीय एकम के कंपनी में। तो संचालक मंडल ना एक ट्रस्टी तरीके ई एनो वहीवट करे एटले के कंपनी नुं हित जळवाय ते रीते संचालक कंपनी नी मिलकतोनो वहीवट अथवा तो उपयोग करे छे। आवा प्रकारनो वहीवट करती वखते संचालक अंगत लाभ के नफो करी शके नहीं, छता पण संचालको करी शके नहीं, छता संचालको कंपनीना ट्रस्टी नथी। कंपनीनी बधी मिलकतो संचालकोना नामे नहीं परंतु कंपनीना नामे होय छे। ज्यारे ट्रस्टमां मिलकतो ट्रस्टी पोताना नामे धारण करे छे त्यारे पोताना नामथी अदालतमां दावो करी शके छे। अने ज्यारे संचालक अदालतमां कार्यवाही करे त्यारे ते पोताना नामे नथी करी शकतो परंतु कंपनीना नामे एने दावो करवो पड़े छे। हवे आ संचालक एक कर्मचारी तरीके, तो भाई कंपनीना संचालको कंपनीना कर्मचारी नथी परंतु केटलाक हेतु माटे तेओ कंपनीना अधिकारीओ पण छे। એટલે એક બાજુ એ કર્મચારી છે અને એક બાજુ કર્મચારી નથી, કાયમી કર્મચારી નથી, એ માત્ર કંપનીના કેટલાક હેતુઓ કેટલાક ધ્યેયો સિદ્ધ કરવા માટે એક અધિકારીની ભૂમિકા પણ ભજવે છે। આ બાબતો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે કંપનીના ડિરેક્ટરની કાનૂની સ્થિતિ નક્કી કરવાનું કામ સહેલું નથી। કેટલાક હેતુઓ માટે તેઓ કંપનીના અધિકારીઓ તો છે પણ તેઓ કંપનીના પગારદાર કર્મચારી નથી, અને કેટલેક અંશે તેઓ કંપનીના પ્રતિનિધિ એજન્ટ તરીકે પણ સ્થાન ધરાવે છે, અને કેટલેક અંશે કંપનીના ટ્રસ્ટીના લક્ષણો પણ ધરાવે છે। આમ તેઓ આ ચાર સ્વરૂપની લાક્ષણિકતા ધરાવતા વિશ્વસનીય સ્થિતિ ધરાવે છે। મિત્રો, તમે જેના માધ્યમથી એજ્યુકેશન મેળવી રહ્યા છો એવી અમારી ચેનલ મુદ્રાલેખ ડિજિટલ એજ્યુકેશનને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઇક કરો અને વધુ ને વધુ શેર કરો। આ ઉપરાંત અમારા ડિજિટલ એજ્યુકેશનના માધ્યમોનો પરિચય કરાવું તો પ્લે સ્ટોરમાં 11 બાર કોમર્સ ગુરુ નામે એપ્લિકેશન છે। આ ઉપરાંત FB અને ઇન્સ્ટામાં પણ મુદ્રાલેખ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામે પેજ ચાલે છે। થેન્ક યુ, કમ અગેન, બેસ્ટ ઓફ લક।